हाथ से कराता हूँ चलिए अब जरा ध्यान से सुनेंगे कुछ बातों को ठीक है जो आपके काम किए अच्छे से सुनना नहीं भी है काम की तो भी सुनना भैया ठीक है थीके? तो क्या बता रहा ध्यान सुनेंगे डाउट सेशन स्टार्ट हो रहा है सब अच्छा लोगों का ठीक है डाउट सेशन में क्या है आप कोई भी डाउट भेज सकते हो मेरे को जो भी आपके डाउट है सेवन जीरो डाउट मुझे भेज सकते हैं मैं आपके सारे डाउट क्लियर कराऊंगा ठीक है डाउट क्लास जो चल रही है अभी नाइन्थ की चल रही है डाउट क्लास जो टेंथ की होती है वो संडे को होती है ठीक है तो आप उसमें भी भेज सकते हैं ठीक है ठीके? कोई भी डाउट है मैथ्स या साइंस का आप इस नंबर में भेज सकते हैं वो हम आपका डाउट लेंगे और उसे सॉल्व कराएंगे ठीक है ना इस नंबर पर ठीक अच्छा बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है क्लास नाइन का रिविजन बैच स्टार्ट हो चुका है ठीक है क्लास नाइन का अभी उसमें दो ही क्लासे हुई है कॉर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुकी है और एक यूक्लिड ज्योमेट्री हो चुकी है मैथ्स का बेसिक से एकदम बढ़िया वाला बैच स्टार्ट हुआ है रिविजन करके रिविजन बैच करके यूट्यूब में भी चालू है ठीक है ना जिसने ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है थी? ना <coughs> उसकी क्लासे यूट्यूब में रेगुलर हो रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम्हारी तो तुम्हें तो, तो कोई दिक्कत होनी नहीं, नहीं चाहिए ठीक है इनकेस अगर देखनी हो तो शाम को होती क्लास टाइमिंग है क्लास की चार से पाँच ठीक है ना तो वो क्लास आप लोग देख सकते हैं आपको बेनिफिट पक्का होगा ठीक है <laughs> डेली क्लास चलती है ठीक है ना कोऑर्डिनेट इंक्ड हो चुका है ठीक है उनके प्रैक्टिस शीट अगर चाहिए होगी तो मैसेज कर देना इस नंबर पर आपको प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी ठीक कल जो क्लास होगी वो होगी हमारी स्टेटिस्टिक की ठीक है तो वहां भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं ठीक है ना चलिए बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन करना तो कर सकते हो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम करेंगे अपना डाउट सेशन स्टार्ट ठीक है कुछ क्वेश्चन लेंगे डाउट के बढ़िया वाले जो पूछे हमसे किसी ने वो लेंगे पहले कोई नहीं चलिए लिखिए क्वेश्चन क्वेश्चन है ये फिगर भी तो दे नहीं दिया ऐसे क्वेश्चन लाते हैं फिगर नहीं देते यार क्वेश्चन है पीबी इज द बाइसेक्टर ऑफ पीबी इज द बाइसेक्टर ऑफ पीबी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पीबी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओके

आगे पीछे होने को। कोई नहीं ये क्वेश्चन है ठीक इसकी फोटो गिवन भी हो सकती है इसकी फिगर गिवन भी हो सकती है और फिगर देगा भी नहीं ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो पहले जरा एक बनाओ एबीसीडी एक क्वालिटेटर बनाइए ए बी सी डी बाकी इसका फिगर दिया होगा फिगर नहीं भेजा इन्होंने क्वेश्चन तो पूछ लिया पर फिगर नहीं भेजा चलो फिगर में ढूंढ कोई बड़ी बात नहीं, फिगर नहीं है फिगर ढूंढेंगे इसका बढ़िया वाला एक डोंट वरी यार मिलेगा सब मिलता है गया। करो करो अटैम करो स्टार्ट में करवाता हूँ टेंशन मत लो यार करो हो गया चलो देखो कैसे करना है जरा इसका सॉल्यूशन देखेंगे अच्छा वाला है ठीक है चलो देखो एक कोआर्डिलेटर बनाओ ए बी सी डी साथ बनाओ हो जाएगा एबीसीडी कोआर्डिनेटर ला बना दो ए बी सी डी एक कोआर्डिनेटर है ऐसा ठीक हो गया आगे देखो पीबी इज द बाईसेक्टर ऑफ एंगल बी इस बाई इसका एक बाईसेक्टर है फिगर कुछ ऐसी होनी चाहिए थी तभी होगा ये पी बीपी इसका बाईसेक्टर है ठीक है पीबी बाईसेक्टर है इस एंगल बी का मतलब आधा एंगल इधर है आधा एंगल इधर है ऐसा बोलना चाह रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है आधा एंगल इस तरफ है आधा एंगल उस तरफ है और पीबी बाईसेक्टर है ठीक बाकी इसकी अभी फिगर मिली नहीं ढूंढते हो गया डन चलिए आगे देखेंगे कैसे करना है क्या करना है तरीके से बताएंगे ऐसा कुछ हबड़ तबड़ में नहीं चलेंगे बढ़िया करके बताएंगे अच्छा गिवन लिखो गिवन पी बी इज द बाइसेक्टर पी बी इज द बाई सेक्टर ऑफ ऑफ एंगल बी पी बी बाई होगा एंगल बी का अच्छा बाई सेक्टर मतलब आधा एंगल थ्री सॉरी

कर दिया लिख डालो ठीक है लिख डालो अगला पॉइंट अच्छा सॉल्यूशन समझो जरा एक बार बताओ तीन चारों एंगल को जोड़कर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होना चाहिए कोई बताएगा सब एंगल्स को जोड़ के कि कितना आना चाहिए कोई बताएगा सब एंगल्स को जोड़कर कितना आना चाहिए बताइए हाँ जी कितना आना चाहिए सबको जोड़कर ए बी सी डी तीन सौ साठ डिग्री बहुत बढ़िया यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वारिलेट्रल पढ़ाइए एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वारल और लिखना भी चाहिए अच्छा नेक्स्ट पॉइंट या तो ये फिगर इनकम्प्लीट है बाकी हम देखते हैं अभी जहां तक भी ले जाएंगे यार कुछ टेंशन मतलब बस फालतू बकवास नहीं ठीक है अच्छा एंगल एक ऐसे रखते हैं क्योंकि प्रूविंग में एंगल ए चाहिए देखो अच्छा एंगल बी को क्या लिख सकता हूँ एंगल बी को लिख सकता हूँ एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इजिकल टू थ्री सिक्सटी सही है यहाँ तक कोई दिक्कत एंगल बी को लिख दिया एंगल वन प्लस एंगल टू क्लियर इतना एंगल वन प्लस एंगल टू निशांत व्हाट्सएप देख भाई तो अच्छा वही तो कहूँ फिगर नहीं दी थी ना इसकी थोड़ी फिगर में चेंज होने का कोई नहीं देखते ज़्यादा नहीं होगा टेंशन मतलब थोड़ा सा है खतरनाक है फिगर फिगर भेज देनी चाहिए थी ना पहले ए बी सी डी अब वो फिगर ऐसा है फिगर अब देखो अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा वैसे इतना नहीं होगा नाला बढ़िया ये क्वेश्चन ए पी बी ठीक है इस एंगल के बारे में बात कर रहा है इस एंगल के लिए शो करना है कुछ बढ़िया सा ठीक है फिगर ये है तो फिगर चेंज करते ना थोड़ी सी। कोई नहीं भाई। अब क्या कर देना तो ही ना ठीक है तो टेंशन मतलब हो जाएगा कोशिश करेंगे फिगर थोड़ा सा चेंज है हमने ये बिल्कुल सही करा है। इसकी कोई टेंशन मत लो कि ये गलत करा है अरे बिल्कुल सही करा है तुमने तुम ज्यादा सही कोई कर ही नहीं सकता चले गए यहां तक अरे यहाँ तक सही है सही है यहाँ तक बोलो क्लियर ठीक है इसको थोड़ी देर के लिए रख दो साइड में अभी काम आएगा थोड़ी देर रुक जाओ हाँ थोड़ी देर रोक दो, दो, दो अच्छा ऊपर का सारा मीटर अब जरा सॉल्व करने पर आते समझेंगे सब सब, इन इन दिख, दिख रहा है वापिस ट्राइंगल एपी भी दिख रहा है फिगर में ट्राइंगल एपीबी के अंदर तीन एंगल है जरा बताओ नाम कौन कौन से एपीबी के अंदर तीन एंगल के नाम बताओ 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 नाम बताओ एंगल वन ये वाला प्लस एंगल एपीबी प्लस एंगल ए इजिकल टू वन एटी क्लियर इतना किसी को परेशानी हाँ या ना बोलो बिल्कुल सही बात है और क्या डन इन सबको जोड़कर कितना आया वन एट्टी ठीक हाँ एक चीज याद रखना एंगल वन और एंगल टू इक्वल हाँ हा? कंफ्यूज मत होना बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसका यूज करना यहां से एक काम करो एंगल एपीबी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है एंगल एपीबी की वैल्यू जरा रख के बताओ कितना आएगा एंगल एपीबी की वैल्यू 180 एट्टी माइनस एंगल वन माइनस एंगल ए सही है ये किसकी वैल्यू आ गई एंगल ए पी बी की इतना सही है या गलत बताओ जल्दी से एंगल ए पी बी की वैल्यू यही आएगी एंगल ए पी बी की सॉल्व करके यही आएगी अच्छा ये हमारा एलएचएस था जो प्रूव करना है आरएचएस में क्या किया था आरएचएस थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक था खतरनाक तो ज्यादा अच्छा था मतलब हो जाएगा सब हो जाएगा सब आगे देखो ये हटा रहा हूं हटा दो ये हटा दू इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के साइड में रख लो अच्छा राइट हैंड साइड में हमारे पास जो प्रूफ करना है वो है राइट हैंड साइड में हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी माइनस एंगल ए यही प्रूफ करना है सी डी ए एंगल सी प्लस एंगल डी माइनस एंगल ए सही है अच्छा अभी आपने खुद बोला था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना था खुद बोला था आपने कितना है थ्री सिक्सटी बोला था जरा यहां से एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू बताओ कितनी होगी एंगल सी प्लस एंगल एक काम करता हूँ पूरा लिख के देता हूँ तुम्हें तो एंगल ए ऐसी रखो बी को लिख सकता हूँ एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल, एंगल तो सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी वन और टू इक्वल है तो इधर लिख सकता हो एंगल ए वन और टू इक्वल इसकी जगह भी एंगल वन इसकी जगह भी एंगल ऑफ एंगल वन प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी सारा डाटा एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू बताओ कितनी है जरा देख के बताओ एंगल सी प्लस एंगल डी कितना आएगा थ्री सिक्सटी माइनस का एंगल ए और माइनस का ट्वाइस ऑफ एंगल वन सही है बात सारी वैल्यू को हाफ एसी एंगल सी प्लस एंगल डी की जगह रख दो थ्री सिक्सटी माइनस एंगल ए माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल वन सी प्लस डी की जगह ये वैल्यू रख दी और माइनस एंगल ए पहले से सही है इतना अरे सही है हाँ या ना सही है बोलो सही है अच्छा एक काम करते हैं हाफ का ऐसी रखते है बताओ थ्री सिक्सटी ऐसी माइनस एंगल ए एंगल ए माइनस माइनस प्लस तो माइनस का ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो गया और मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा चलाई थ्री सिक्सटी सबके मल्टीप्लाई होगा सबसे होगा तो थ्री सिक्सटी इंटू वन बाई टू भी होगा माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल होगा और माइनस ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई कर देना ठीक है थीके? तो कितना आएगा वन एट्टी माइनस एंगल ए माइनस एंगल और ध्यान से देखो ये वैल्यू आ गई RG's को सॉल्व करके सही है सही है, है आया? को करके वही आया तो एल एच एस और आर एच एस को अगर सॉल्व करके सेम चीज आती है तो क्या दोनों इक्वल नहीं है बोलो हाँ एल एच एस और आर एच एस को सॉल्व करके सेम आ रहा है तो मतलब ये इक्वली तो है सही है तो ऐसे हम इसको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं ठीक है ना बाकी और भी तरीके बना सकते हैं वो हमारे ऊपर है ठीक है ना तीनों को लेना ही पड़ेगा यार कोई और तरीका नहीं है तीनों को लेना ही पड़ेगा ठीक है और किसी के डाउट को भेजो भेज देना अपने डाउट जिसके भी डाउट होंगे ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये हटा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूँ एक क्वेश्चन पहले देखो एक क्वेश्चन जरा बढ़िया सा देखो क्वेश्चन लिखिए लिखो लिखो क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा अच्छा वाला सा अच्छा मिल जाए बढ़िया डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटलीमेटली डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली वन फोर्थ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ डायमीटर ऑफ द मून डायमीटर ऑफ द अर्थ मतलब ऐसा बोल रहा है जो डायमीटर मून का है वो वन फोर्थ मतलब ना डायमी ऑफ अर्थ फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सर्फेस एरियाज फाइंड द रेशियो ऑफ दर्फेस एरिया सर्वेस एरिया का रेशियो निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ सर्वे एरिया मतलब ये गिवन है और आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है टू फाइंड रेशियो ऑफ सर्विस एरिया मतलब सर्विस एरिया ऑफ मून अपॉन सर्विस एरिया ऑफ अर्थ इन दोनों का रेशियो निकालना है ठीक है डिवाइड करके सर्विस एरिया ऑफ मून अपॉन सर्विस एरिया ऑफ अर्थ करें स्टार्ट हाँ जी करे स्टार्ट आप भी स्टार्ट करिए मैं भी करता हूँ जरा सोचेंगे आपको मैं दूंगा क्वेश्चन करने के लिए दो मिनट फिर मैं करवाऊंगा दो मिनट में जो कर सकते हो खाड़ो क्वेश्चन के साथ हुआ चलिए स्टार्ट करते समझेंगे तरीके से समझेंगे ऐसा कोई रटने वाली बात नहीं है मुझे एक बार बताओ मून की शेप में अर्थ किस शेप में होता है स्पेयर की शेप में हम उसे कंसीडर करते हैं चलो चेक करते हैं हम कंसीडर किस में करेंगे स्पेयर में स्पेयर का सरफ़ेस एरिया का फॉर्मला कोई बच्चा बताएगा बिल्कुल सरफेस एरिया का फॉर्मला होता है फोर पाई आर स्क्वायर समझो खनकाओ फोर पाई आर स्क्वायर आर मतलब रेडियस चाहिए उसने हमें दिया क्या डायमीटर उसने हमें डायमीटर का चॉकलेट पकड़ाया और हम खुश हो रहे कि नही, नही, रेडियस रेडियस मिल गया नहीं नहीं निकालना पड़ेगा बेटा ठीक है ना थोड़ी मेहनत लगेगी ध्यान से डायमीटर ऑफ मून को मैं लिख सकता हूं रेडियस ऑफ मून का ट्वाइस होता है सही बात है डायमीटर मून का मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून और वन बाय फोर्थ रेडियस डायमीटर ऑफ अर्थ का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ सही यहां तक अब इस रेडियस ऑफ मून रेडि टू से टू तो कैंसिल हो गया ठीक है तो रेडियस ऑफ मून के नीचे रेडियस ऑफ अर्थ जो आएगा ना वो आएगा वन बाई फोर अब सही है अरे सही है बोला हाँ या ना ये समझ में आया पहले कॉन्सेप्ट ठीक है ऐसा अच्छा अब देखो जो निकालना है जो निकालना है वो है इन दोनों का रेशियो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ अच्छा जब मून का निकालोगे तो फोर पाए रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन जब अर्थ का निकालोगे तो फोर पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अब बढ़िया बात क्या है पाई पाई से 4 गया बाय बाय तो ऊपर बना रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर यही तो मतलब होल स्क्वायर का यही तो मतलब है चलिए अच्छा इसकी वैल्यू जो मेरे पास है पहले ही है इसकी वैल्यू कितनी वन बाय फोर और इसका स्क्वायर वन बाय फोर का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन आंसर आया समझ में आया या नहीं बोलो समझ में आया या नहीं क्योंकि मुझे पता है मेरे को रेडियस को ढूंढना है तो पहले रेडियस पे अटैक करा मैंने साफ सीधी बात ठीक है बहुत बढ़िया हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये हटाते हैं ना धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे लो हटाते इसको इतना टफ ना ही है जितना आप लोग बनाए हैं सिंपल है कॉन्सेप्ट समझो बस अगला क्वेश्चन लिखो देखो क्यूब ऑफ साइड फोर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ साइड फोर सेंटीमीटर एक क्यूब है जिसकी साइड फोर सेंटीमीटर है क्यूब ऑफ साइड फोर सेंटीमीटर अ कंटेन्स अ अस्फेयर टचिंग इट्स साइड कंटेन्स अस्फेयर टचिंग इट्स साइड कंटेन अ अस्फेयर टचिंग इट्स साइड टचिंग इट्स साइड Find the volume of the gap in between. Find the volume of gap in between. ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सोचेंगे लीजिए एक क्यूब है भैया उसके अंदर एक स्पेयर को बंद करे हैं किसको बंद बंद है स्पेयर को ठीक है और स्पेयर जो बंद है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा अगर मैं टू में बना के समझाऊ तो कुछ ऐसा दिखेगा स्पेयर है अगर मैं सामने से देखूंगा इसके अंदर ऐसे बंद होगा हाँ ये कुछ ऐसा ऐसा चारों साइड को टच करवाना थोड़ा सा थंका बना है, सही ठीक है तो कुछ ऐसा दिखेगा इसके अंदर इस स्पेयर हमें ना ये वाली चीज बतानी है बची हुई ये ये वाली चीज इसकी वॉल्यूम बतानी है बची हुई हाँ जी कैसे आ सकती है जरा सोचेंगे आइडिया लगाएंगे पहले पूरे क्यूब में से अगर किसको माइनस कर दिया जाए स्पेयर को क्योंकि क्यूब बड़ा है और स्पेयर छोटा है भैया छुटका सा है तो भैया एक काम करेंगे पूरे क्यूब में से और स्पेयर को बोलेंगे टाटा बाय बाय ठीक है तो इतना काम करना है फॉर्मूला आपके सामने है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम रिक्वायर्ड जो हमें रिक्वायर्ड है वो कैसे निकलेगी तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से किसको माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर को सही है फॉर्मूला हाँ या ना फॉर्मूला सही है हाँ या ना बताओ पहले ये सही है अच्छा ये बताओ सबसे पहले ये तो चलो फॉर्मूला भी पता लग गया मुझे बस मुझे क्या निकालना है पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी देर की है क्यूब की साइड क्यूब की साइड कितनी कीवन है क्यूब की साइड कितनी कीवन है कोई बताएगा कितनी देर की क्यूब की साइड फोर yeah, सेंटीमीटर क्यूब की साइड है हाँ जी क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होवे क्यूब होता है तो भैया ए मतलब फोर का क्यूब तो फोर का क्यूब कितना होता है कोई बताएगा फोर का क्यूब कितना होता है अरे तीन बार मल्टीप्लाई कर लो ना सिक्सटी फोर सेंटीमीटर क्यूब यही तो होता है अच्छा अगली चीज वॉल्यूम ऑफ स्पेयर स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब अब प्रॉब्लम ससुरा ये है कि रेडियस कहां से आएगा प्रॉब्लम तो यही घूम फिर के आ गई तो कोई नहीं हम अपने फिगर को देखेंगे ध्यान से कुछ ना कुछ मिलेगा अच्छा ये बताओ ये रेडियस है और ये भी तो रेडियस ही है और असली में देखा जाए ये है क्या है तो साइड ए यानी कि ये है फोर सेंटीमीटर तो जिस चीज को हम लोग ए कह रहे हैं स्क्वेयर बोल रहा है मैं कितना हूं टू आर दो आर को मिला के चार बन रहा है तो आर के ऑलि कितने है? चार पॉइंट दो यानी दो सेंटीमीटर आर के ओल्ले दो सेंटीमीटर आ गई ठीक है ये करना था बस आर के लिए दो सेंटीमीटर तो फोर बाय थ्री पाई की जगह ट्वेंटी टू बाई सेवन ही रख लो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो थ्री पॉइंट वन फोर रख लेते चलो छोड़ो अच्छा रेडियस का क्यूब आर क्यूब टू का क्यूब कितना होता है एट अब इसको सॉल्व करो आंसर बता दो तो चलो फटाफट सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ये मैं नहीं करूंगा वरना करना पड़ जाए तो कर भी लेंगे अब क्या जल्दी करो तुम कितना है थर्टी थ्री पॉइंट फोर नाइन समथिंग आ रहा फोर नाइन सेंटीमीटर क्यूब अब तो हो सकता है माइनस करके वॉल्यूम रिक्वायर्ड निकल सकता है हाँ जी कितना आएगा माइनस करके दिखाओ वॉल्यूम रिक्वायर्ड माइनस करके सिक्सटी फोर माइनस थर्टी थ्री पॉइंट फोर नाइन जरा माइनस करके बताओ कितना आ रहा सिक्सटी फोर माइनस थर्टी थ्री पॉइंट फोर नाइन करना जरा पॉइंट फाइव वन आ रहा ये और चौतीस थर्टी फोर थर्टी है थर्टी वन आ रहा थर्टी वन नहीं आएगा थर्टी आएगा जीरो थर्टी पॉइंट फाइव वन सेंटीमीटर ये सॉल्व करके पूरा वॉल्यूम रिक्वायर्ड समझ में आया वाला क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट बस इतना सा था एक फॉर्मूला दूसरा ये बस दो ही तो कॉन्सेप्ट थे आसान है पेपर में करके आ जाना अब माइनस प्लस नहीं हो रहा तो डूब मर जाना 64 को जब लिखा होगा 64.00 लिखा होगा ना कैरी भी तो गया होगा पीछे अरे मैं तो सच बोलता हूँ भाई अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लिखो लिखो इफ ऐसे मत लिखो इफ नहीं लिखो लिखो अस्पेरिकल बॉल स्पेरिकल बॉलिकल बॉल ऑफ लेड आरिकल बॉल ऑफ लेड थ्री सेंटीमीटर इन डायमीटर थ्री सेंटीमीटर इन डायमीटर A spherical ball of lead three centimeter di diameter is melted is melted and recast into and recast into and recast into three spherical balls and recast into yeah three spherical balls okay if the diameter of two balls if the diameter of two balls, if the diameter of two balls is three upon two centimeter and two centimeter, three upon two centimeter and two centimeter, find find the diameter of third ball. Find the diameter of the third ball. डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल तीसरी बॉल का डायमीटर निकालना दिमाग लगाओ अच्छा एक बार बताओ तुम्हें मैंने पानी दिया पहले एक उसमें मतलब ऐसे समझो कभी बचपन में क्ले से खेला क्ले से खेला क्ले से, खेला? क्ले से वो प्लेइंग क्ले आती थी खेला कभी उससे हुँ? खेला उस क्ले से बढ़िया क्ले आती थी ना खेलने के लिए प्लेइंग क्ले अच्छा उस क्ले से पहले एक हम एक लड्डू बनाया लड्डू की शेप स्फीयर बनाया फिर उसी से हमने एक पूरी लंबी सी रस्सी बना दी उसी से हमने सर्कल बना दिया या उससे कुछ भी बनाया ठीक है रहती तो वो क्ले ही थी तो वो क्ले ही थी एक चीज याद रखना जब भी हम रिकास्ट करते हैं मतलब दोबारा से बनाते हैं रिकास्ट मतलब दोबारा कुछ क्रिएट करा गया ठीक है तो जो चीज सेम रहती है वो रहती है वॉल्यूम, क्या सेम रहती है? वॉल्यूम। तो कहीं भी याद रखना एक चीज जब भी हम एक शेप से दूसरी शेप बनाया जाती है तो वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है नहीं पता लिख लो कॉपी के ऊपर कि जब भी एक शेप से दूसरी शेप बनाई जाएगी तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहेगी वॉल्यूम एज इक्वल चमका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब भी हमारे पास हम शेप को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम ठीक है या ना बोल भाई समझ में आया अब इस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये समझो ठीक है ऐसा बोला उसने हमारे पास एक स्पेयर है ध्यान से देखना एक स्पेयर है ठीक है स्टार्टिंग में क्या बोला स्पेयर के बारे में कुछ दिया हुआ है उसका डायमीटर दिया हुआ है स्टार्टिंग में कितना दिया डायमीटर जरा पढ़ना हाँ स्टार्टिंग में डायमीटर है थ्री इसका डायमीटर दे रखा है थ्री तो रेडियस डायमीटर अगर थ्री है थ्री है ना तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर अगर थ्री है तो रेडियस कितना होगा जरा बताओ थ्री बाय टू सेंटीमीटर तो रेडियस हो गया थ्री बाय टू सेंटीमीटर इतना लिखो तो रेडियस हो गया थ्री बाय सेंटीमीटर अब मैंने कहा मुझे पसंद नहीं आ रहा इसको मैंने तोड़ा तीन पीस में एक ए एक बी और एक सी और बनाए भी तीनों स्क्र ही बनाए ए जो स्क्वेयर बनाया वो थोड़ा छोटा उसकी रेडियस ली थ्री बाई टू सेंटीमीटर उसका डायमीटर था तो रेडियस और आधा कर दो तो ये बन गया कितना और आधा करने के थ्री बाय फोर सेंटीमीटर सही है रेडियस कितना हो गया थ्री बाय फोर सेंटीमीटर दूसरा जो बनाया उसका डायमीटर कितना था दूसरे वाले का डायमीटर कितना है जरा बताओ टू सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो गया वन सेंटीमीटर ठीक है और तीसरा वाला जो है उसके बारे में मुझे नहीं पता उसके उसका रेडियस मान लेते हैं आठ सेंटीमीटर डायमीटर होगा d चलो कोई सही है तक समझ में आया कि हमारे पास था तो एक पर उससे हमने क्या बनाया तीन बनाए ठीक है था एक उसको तोड़ तोड़ के उसके तीन पीस करे अच्छा अगर तीनों मिल जाएंगे तो वापिस वही बन जाएगा हाँ या ना बोलो मैंने कहा एक था उसके तोड़ के तीन पीस करे एक दो तीन ठीक उसके बाद मैंने कहा अगर तीनों को मिला दूंगा फिर से वही बन जाएगा या ना तो नहीं आया बोलो जल्दी V जो होगा इसका वॉल्यूम बराबर V1 वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बोलो क्लियर अरे मिट्टी तो वही है जिससे बनाया जा रहा है उससे पिघला के तुम चांदी सोना बना दो वॉल्यूम वॉल्यूम विल सेम। तो मैंने कहा भैया तुम्हारी फॉर्मूला तो तो हाँ हाँ। हाँ क्या होना चाहिए स्पेयर है स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला फोर बाय थ्री बाई आर क्यूब आर मतलब थ्री बाई टू है ना तो थ्री बाई टू का क्यूब तीन बार आ जाएगा थ्री बाय टू चमकाओ इतना बड़ा नहीं लिखूंगा कभी भी मैं बेवकूफ नहीं हूं मैं समझदार हूं तो ये ऊपर का पूरा डाटा समझ में आ गया किस बारे में था अब मैं अपने काम की चीज उठाता हूँ जो जो मेरे काम की है सबसे पहले आर है कैपिटल लाल ले लो इसको कैपिटल आर है वो थ्री बाय टू सेंटीमीटर है आर वन है थ्री बाय फोर सेंटीमीटर आर टू है वन सेंटीमीटर <laughs> और रेडियस थ्री है आठ सेंटीमीटर जो निकालनी है। बाकी सारा डाटा मीटर तो देता हूँ जो मेरा काम का था मुझे समझाना था मैंने समझा दिया ठीक है ध्यान से देखना ठीक है जो मेरे काम का है मैं लिख रहा हूँ बस वही लिखे रहूंगा बस देखो सही है

फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर का क्यूब ऐसे रहने दो इन सब में से फोर बाई थ्री पाई कॉमन आ जाएगा बोलो हाँ या ना? सब में से फोर बाई थ्री पाई कॉमन क्लियर इतना फोर बाई थ्री से फोर बाई थ्री कटा पाई से पाई कटा सबसे आसान मेथड सिखाऊंगा तुम्हें कैलकुलेशन करनी ना पड़े ऐसा अच्छा तो कैपिटल आर का क्यूब जो बचेगा यहाँ वो बच रहा है ध्यान सीखना

बनेगा ट्वेंटी सेवन बाय एट में से माइनस होगा माइनस होगा ट्वेंटी अरे वैल्यू सही है जिसके नीचे कुछ नहीं होता वन होता है।, बताओ, नीचे है देखो मैं कुछ नहीं है, है। जो भी अब आपके ऊपर है, कैलकुलेशन है वो गलत करोगे तो फिर तो क्या ही करने तो क्या ही पढ़ना जिंदगी में है ना तो सिक्सटी फोर एल्सियम आया ठीक है 64 LCM आ गया, है ना? तो 27 8 जा। करना पड़ेगा। दो सौ सोलह ट्वेंटी यहाँ का मिट होते यही डाटा काम का नहीं है दो सो सोलह कितना होता जाना, है जरा माइनस करके बताया कोई दो सौ सोलह माइनस नाइनटी वन एक सौ पच्चीस आ रहे हैं एक सौ पच्चीस अपॉइंट चौसठ आर निकालना है क्यूब रूट हाँ जी ये बता एक सौ पच्चीस किसका क्यूब होता है फाइव का और 64 होता है 4 का तो ये बनेगा 5 पॉइंट फोर का क्यूब तो रेडियस आ गया 5 बाय फोर सेंटीमीटर ये रेडियस की वैल्यू आई रेडियस, रेडियस कितना आया 5 upon 4 सेंटीमीटर ये रेडियस की वैल्यू आई क्या हमें रेडियस निकालना है या डायमीटर निकालना है हमें तो डायमीटर चाहिए तो डायमीटर कितना होगा डायमीटर होता है रेडियस का डबल तो टू इंटू रेडियस टू से टू कटा तो फाइव बाई टू सेंटीमीटर इज द डायमीटर तो आंसर आया सेंटीमीटर समझ में आया क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था पेपर में ऐसे कुछ आएगा फिर तो रोना मत मे जाके ठीक है अच्छा अभी से ये चीजें करने लग जाओ मैं पता क्यों कह रहा हूँ अगले साल टेन में यही सब है सबसे पहले ठीक है सर्विस एंड वॉल्यूम में यही है सबसे पहले इस साल में तुम्हें पूरा ढंग से बढ़ा दूंगा ताकि तुम्हें अगले साल इंच भर भी दिक्कत ना हो ठीक है चैप्टर को मजे मजे में करोगे ठीक है पिछले साल भी यही करा था और इस साल बेनिफिट हो रहा है बहुत ज्यादा ठीक है इसका अंदाजा तुम इसी से निकाल सकते हो कि जो मैथ्स में नंबर आए हाइएस्ट वो एट्टी आउट ऑफ एट्टी ही है टेंथ क्लास में जो कि किसी के बस की नहीं है अब तोड़ना मेरे को लग रहा है क्या ही लाएगा आउट ऑफ के बाद है अभी प्री बोर्ड हुए थे उसमें 80 आउट ऑफ 80 हैएस्ट उससे ज्यादा क्या ही कोई डिमांड कर सकता है ठीक है और ऑनेस्टली है भाई सच्ची बात है यकीन नहीं होता जाके चेक कर लो इसको लोग ठीक है उसके अलावा उसके बाद जो 80 आउट ऑफ 80 का दूसरा है वो है 78 का स्कोर है फिर एक 76 का है एक 75 का ऐसे बहुत सारे ठीक है थीके? कौन है भैया है जिम पाइनर का है कोई ठीक है 80 आउट ऑफ 80 याद रखना पिछले साल पढ़ा दिया तभी तो इस साल फोड़ रहे वो लोग तुम भी मचाओगे अगले साल से ठीक है ध्यान रखना इस बात को। बस बस मेहनत मेहनत करते रहो मेरे साथ साथ थोड़ी की जरूरत तुम्हें भी है ठीक है और अब तो अभी खुद देखो एग्जाम हुए मैथ्स में जो बच्चे फेल होते थे वो भी अच्छे मार्क्स ला रहे ठीक है अभी तो साठ में से सभी बांटेंगे तुम्हारे भी बड़े, बड़े है का, का बाकी वीडियो सबके साथ शेयर कर देना किसी को पढ़ने के लिए नाम मिल रहा हो तो वो यहां से पढ़ सकता है बढ़िया वाला ठीक है आप पंद्रह जनवरी तक पूरी मैच करा देनी इससे क्या कर सकते हो मेरे को बताओ कोऑर्डिनेट करवा दिया कल यूक्लिड करवा दिया आज कल मैं कराऊंगा स्टेटिस्टिक फिर परसों कराऊंगा कंस्ट्रक्शन चार चैप्टर इजी बढ़िया वाले बीस नंबर तुम्हारे लाने के लिए तैयार बैठे हुए ठीक है उसके बाद फिर अगले में चलेंगे ये इजी है फिर मीडियम वाले वाले में में फिर हार्ड सर ठीक है चल सबको ना भेज स्टोरी वगैरह लगा दो यार शेयर शेयर कर दो देखो तुम्हारे लिए भी क्लास ले रहा हूँ मैं तुम्हें भी तो मेरी मदद करनी चाहिए ठीक है इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप हेल्प हेल्प मी आई विल यू If you help me in this work, I will help you in studies. Okay. Bye bye. Have a nice day. Salute. <laughs> Take care,